हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। और दूसरी बात जो यार मैं आप लोगों से करना चाह रहा था कि ये मेरा तीसरा ब्लॉग है, तो मतलब जो मैंने दो ब्लॉग बनाए थे उसमें और पुरानी वीडियो थे उस पर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरे को अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और जिन्होंने सपोर्ट किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो है सादुल शहर के ऊपर, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरी सिटी। तो आज मैं घुमाऊँगा आपको पूरा मेरा शहर। तो गाइस चलिए आज आपको दिखाता हूँ कि कहाँ मैं रहता हूँ, कौन सा है मेरा शहर और ये कहाँ पड़ता है। तो आज आपको सब कुछ डिटेल में सब कुछ बताऊंगा और आपको अपना शहर भी दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज अपना शहर दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, कौन सी स्टेट में रहता हूँ, कौन सा मेरा ज़िला है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो गाइस मैं रहता हूँ राजस्थान के गंगानगर ज़िले में और सादुल शहर मेरी तहसील है, जो कि एक विधानसभा क्षेत्र भी है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आज दिखाऊंगा मेरा पूरा शहर कि मेरा शहर कैसा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है नहर जो कि मेरे सादुल शहर के बाहर की तरफ है, और उस तरफ है रोड जो कि मेन रोड है, जो इस साइड रह जाता है गंगानगर और इस साइड रह जाता है अबोर जो कि पंजाब में है, और पंजाब लगभग सादुल शहर से 3 किलोमीटर दूर है। और ये है नहर, नहर के उस साइड मेन रोड है और इस साइड है पूरा सादुल शहर। तो अभी यहाँ से चलेंगे और आपको मेन मेन जगह जो सादुल शहर की है वो दिखाऊंगा और कैसा है मेरा सादुल शहर तो वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते। तो ये है वो रोड जहाँ से सादुल शहर के अंदर घुसा जाता है गंगानगर से, गंगानगर की तरफ से आते हैं तो, और इस साइड मेन रोड पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक गुरुद्वारा जो कि अभी बन रहा है, कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सादुल शहर के शमशान घाट, और ये है सादुल शहर का शमशान घाट, और इस साइड रह जाता है मुरली मनोहर गौशाला जो कि यहाँ की गौशाला है, और इस साइड जो आपको दिख रहा है वो है सादुल शहर का रेलवे स्टेशन। तो पहले मैं आपको चल के दिखाता हूँ शमशान घाट के अंदर, फिर अपने चलेंगे गौशाला के अंदर, फिर चलेंगे रेलवे स्टेशन। तो गाइज ये है सादुल शहर का रामदेव गेट, और रामदेव गेट के तुरंत आगे है घोड़ा चौक। तो गाइज ये है तहसील रोड, और ये है तहसील सादुल शहर की तहसील, और ये है तहसील रोड। और तहसील के जस्ट आगे है गोट बॉयज स्कूल, और गोट बॉयज स्कूल के तुरंत आगे पड़ता है मजिस्ट्रेट कोर्ट।
और सादुल शहर का जो मेन बस स्टैंड है और गोवट हॉस्पिटल है, ये दोनों ही अंबेडकर चौक पर ही बने हुए हैं। और इस साइड जो दिख रहा है ये है पशु चिकित्सालय और ये है बड़ी गौशाला जो कि सादुल शहर की सबसे बड़ी गौशाला है। इस साइड है ये जो सामने दिख रहा है ये है हॉस्पिटल और इस साइड रह जाता है सादुल शहर का बस स्टैंड। We'll be right back.
तो गाइज आपको अभी दिखाया मैंने श्याम मंदिर जो कि मेरे पीछे है और इसके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल पीछे की साइड है जो डिग्री कॉलेज, सादुल शहर का डिग्री कॉलेज दिख रहा होगा आपको पीछे। तो ये अंदर जाने का रास्ता डिग्री कॉलेज के और ये है डिग्री कॉलेज। इस रोड के चार नाम है ट्रैक्टर मार्केट, विश्नोई मंदिर रोड और दुर्गा मंदिर रोड और हनुमानगढ़ रोड। और इसी रोड पर विश्नोई मंदिर भी स्थित है और दुर्गा मंदिर भी स्थित है, इसीलिए इसको विश्नोई मंदिर और दुर्गा मंदिर रोड भी बोलते हैं। और चौथा पेट्रोल पंप रोड भी यही है।